इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सर्जरी के बाद अगर आपकी पेट की कोई सर्जरी हुई है, कोई ऑपरेशन हुआ है पेट में, तो आपको क्या चीज़ें खानी चाहिए और क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, और डाइट में कैसे हमें स्टार्ट करना होता है, धीरे धीरे कैसे हम फिर नॉर्मल डाइट की तरफ शिफ्ट होते हैं। तो यही सब चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पेट की सर्जरी में वो चाहे आप कोई भी सर्जरी हो सकती है, अपेंडिक्स की हो या आपकी कोई आंतों में कोई ब्लॉक हो जो उसकी सर्जरी हो, या कोई गॉल ब्लैडर की सर्जरी हो, तो नॉर्मली डॉक्टर आप खाने को मना कर देते हैं, कुछ दिन के लिए आपका खाना पीना बंद हो जाता है। तो उस टाइम में आपकी बॉडी भी रेस्ट में होती है और आपकी आंतें भी रेस्ट हो रही होती है, और बॉडी की इम्यूनिटी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अफेक्ट हो गई होती है। तो हमें ऐसी चीज़ें लेना स्टार्ट करना होती हैं सर्जरी के बाद। नॉर्मली आपको 24 घंटे के अंदर ही डॉक्टर बता देते हैं 24 घंटे बाद कि आप खा पी सकते हैं। तो हमें स्टार्ट ऐसी चीज़ें करनी होती हैं जो कि आसानी से हजम हो जाएं, जो कि हाथों पर लोड ना डालें, पेट को भारी ना करें, और आपकी बॉडी की जो इम्यूनिटी है उसको बूस्ट करें, ताकि जो अंदर इंजरी हुई है, जख्म हुए हैं बिकॉज ऑफ सर्जरी ऑपरेशन के दौरान, जो कट लगे हैं वो अंदर भी और बाहर भी, वो अच्छी तरह हील हो। तो खाने में हमें इन चीज़ों को ध्यान रखना होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले लिक्विड चीज़ों से, क्योंकि लिक्विड चीज़ें बहुत आसानी से हजम हो जाती हैं। आप लिक्विड में नारियल पानी, ग्रीन टी, जूसेस वगैरह आप ले सकते हैं। फिर हम शिफ्ट करेंगे लिक्विड के बाद सेमी सॉलिड, यानी कि जो कि पतली चीज़ें होती हैं जो आराम से हजम हो जाए, जिसमें कि खिचड़ी, दलिया, दही हो गया, आपके दाल का पानी हो गया। इसके बाद शुरू करेंगे, सीधा आएंगे सॉलिड पे। आप सॉलिड में कुछ चीज़ें आप ले सकते हैं और कुछ चीज़ें अवॉइड करनी होती हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। स्टार्टिंग में कुछ ऐसी सब्जियाँ यूज़ करें जो कि आसानी से हजम हो जाती हैं, जैसे कि कद्दू हो गया, घिया हो गया, तुरई हो गई, परवल हो गया, ये चीज़ें आप यूज़ करें सब्जियों में, तो ये ईजिली डाइजेस्ट हो जाती हैं। नॉनवेज की बात करें तो एग वाइट आप यूज़ कर सकते हैं। अभी आपको बीफ और मटन ये सब इनिशियल फेज में, क्योंकि ये थोड़ा देर से हजम होते हैं, आपको अवॉइड करना होता है। दालों में आप मसूर की, मूंग की, अरहर की दाल आप ले सकते हैं। इसमें कोई अभी आराम से हजम होने वाली है और कोई आपको प्रॉब्लम नहीं करेंगी। इसी तरीके से आप फ्रूट्स में एप्पल, गुआवा, मैंगो, कोई भी आप फ्रूट ले सकते हैं। अब क्या चीज़ें अवॉइड करनी होती हैं वो भी आप दालों में, खासकर जो देर से या गैस बनाने वाली होती हैं, जैसे कि चना हो गया या उड़द हो गया, राजमा, ये इस बेटर कि आप शुरू के दिन में इसको अवॉइड करें, क्योंकि ये देर से हजम होते हैं और गैस भी बनाते हैं। तो इनको, और नॉन वेज में बता ही चुका है, बीफ, चिकन आपको अवॉइड करना होता है। मैदा या जंक फूड या फास्ट फूड, ये सब बिल्कुल आपको सर्जरी के बाद तो काफ़ी दिन तक बिल्कुल अवॉइड ही करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, जय हिंद।